महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में इन दिनों फूलों के दाम आसमान छूने लगे हैं। चंद्रपुर में पोला पर्व के बाद गणेश उत्सव और महालक्ष्मी के आवागमन से त्योहार की शुरुआत हो गई है। ऐसे में शहर के बाजारों में फूल की आवक बढ़ गई है। इसके बावजूद फूलों से बनाए जाने वाले हार काफी महंगे हो गए हैं। अब लोगों को त्योहार के दिन पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले फूलों के लिए अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं। हालांकि कीमतों में वृद्धि से व्यापारी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना के चलते अब तक फूलों का व्यवसाय ना के बराबर चल रहा था, लेकिन अब त्योहारी के शुरू होने से इनकी वैल्यू बढ़ गई है। नांदेड़, जालना, हैदराबाद समेत कई ग्रामीणों क्षेत्रों से फूल बिक्री के लिए चंद्रपुर के बाजार में लाए जाते हैं, जिसमें पीला गेंदे का फूल, मोगरा और गुलाब आदि शामिल होते हैं। अगर भाव की बात करें तो इस समय बाजारों में गेंदा फूल 150 से 200, गुलदाऊ 300 से 400 रुपए तो गुलाब 600 से 800 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गुलाब का फूल 100 से 20 रुपए प्रति पीस के भाव में बिका है। मोगरे फूल के गजरों के दामों में वृद्धि भी हुई है। पहले 15 रुपए का मिलने वाला गजरा अब 20 से 25 रुपए में मिल रहा है, तो सादा गेंदे के फूल का हार 100 रुपए के बजाय 20 रुपए का हो गया है। फूल व्यापारी बताते हैं कि त्योहारों के कारण इन दोनों फूल व्यापारियों को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि कोरोना के चलते फूलों का दाम बहुत कम हो गया है। किसानों को भी भारी नुकसान हो रहा था। उम्मीद है कि इस त्योहार में कुछ भरपाई हो जाएगी। देश में फूल उगाने का अनुमानित क्षेत्र लगभग 65,000 हेक्टेयर है। फूल उगाने वाले राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हरियाणा है। भारत का सबसे बड़ा फूलों का उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ब्यूरो रिपोर्ट, पाकिस्तान टीवी।